अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। हाउ टू इंटीग्रेट फेसबुक पिक्सल्स ऑन ब्लॉग और वेबसाइट। दोस्तों, फेसबुक पिक्सल्स आप लोग एक्चुअली कैसे अपने वेबसाइट और ब्लॉग के ऊपर ऐड करते हैं और उसकी मदद से आपकी वेबसाइट के ऊपर आने वाले तमाम विजिटर्स या आने वाली तमाम ट्रैफिक को कैसे ट्रैक करते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग यही कुछ देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। क्योंकि फेसबुक पिक्सल्स आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसी कंपनीज, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन स्टोर्स, वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट्स, ये क्या करती हैं, अपना फेसबुक पिक्सल्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करती है, जिसकी वजह से आने वाले तमाम जो ट्रैफिक है, आने वाले तमाम विजिटर्स हैं, उनके इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करके अपने पास सेव करती है। और ये ना सिर्फ सेव करती है बल्कि डिफरेंट पेजेस के ऊपर डिफरेंट इवेंट्स को वो सेव करती है, ताकि इन फ्यूचर वो बिज़नेस ऑनर जो भी है, अगर वो चाहे कि यार फलां पेज के ऊपर जितने भी लोग आए उनको टारगेट करना चाहिए, या एक लैंडिंग पेज है या कोई प्रोडक्ट्स हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, इसके ऊपर जितने लोग लैंड हो चुके हैं इनको हमें टारगेट करना चाहिए, इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए जिसकी वजह से इसकी कन्वर्जन बढ़ जाएँ, तो इस तरह डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वो अपनाते हैं। और इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फुलफिल करने के लिए उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लीड चाहिए होती हैं या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि जिसको वो टारगेट कर सकें। तो उसके लिए फेसबुक ने एक पिक्सल्स मुतारिफ करवाया है जो बेशुमार लोग पूरी दुनिया में यूज़ करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर, चूँकि ब्लॉगिंग सीरीज़ चल रही है, तो इसके अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कि अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर फेसबुक पिक्सल्स कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कि जिसकी वजह से आप भी अपनी वेबसाइट के ऊपर आने वाले तमाम ट्रैफिक की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकें, डिफरेंट पेजेस के ऊपर इंटरेक्ट करने वाले तमाम इवेंट्स को आप ट्रैक कर सकें, कि जो आपको इन फ्यूचर करने वाली मार्केटिंग्स के ऊपर आप टारगेट कर सकें। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाने से पहले, अगर आप लोग चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए जी लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं। जी दोस्तों, जिस वक्त मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूँ, मेरे सामने फेसबुक बिजनेस मैनेजर ओपन हुआ है। ठीक है, आपने जाना है फेसबुक के ऊपर जाएं, या फिर आप यहाँ पर यूआरएल बॉक्स में आपने लिखना है, यूआरएल बार में business.facebook.com। ठीक है, तो आपका मेटा बिजनेस मैनेजर, मेजर जो आपका बिजनेस मैनेजर का डैशबोर्ड है वो खुलेगा। इसके अंदर आपने अपने बिजनेस सेटिंग में जाना है और मेन जो आपका बिजनेस प्रोफाइल है उसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां पर आपने अपने पेज को ऐड करना है। ठीक है, अब उसके लिए आपने यहां पर पेजेस में जाना है। पेजेस में जाने के बाद ऐड, ऐड के बाद ऐड पेज करना है। सबसे पहले आपने वो पेज ऐड करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं राका लॉजिक्स, मेरा अपना एक पेज है, उसको मैं अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड कर लूंगा, ऐड पेज, क्योंकि मैं इसके ऊपर जो है वो अपने पिक्सल है वो मैं इसको इसमें ऐड करना चाह रहा हूं। तो इसको मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने फेसबुक पिक्सल के लिए डाटा सोर्स में जाना है और आपने पिक्सल में जाना है। ठीक है, पिक्सल में जब आप जाएंगे तो आपने यहां पर सबसे पहले, मेरे पास एक पिक्सल मौजूद है, मुझे एक और पिक्सल ऐड करना है। ठीक है, तो मुझे यहां पर क्या करना है, यहां पर नाम लिखना है मैंने राका लॉजिक्स पिक्सल। ठीक है, पिक्सल, उसके बाद यहां पर आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिखना है। तो आप कोई नहीं, यहां पर कॉपी कर लें इसको और यहां पर आप लिख लें और उसके बाद यहां से कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद आपको ये कह रहा है कि कंटिन्यू मैनेजिंग माय बिजनेस या सेटअप पिक्सल नाउ, सेटअप पिक्सल नाउ करना है। उसके बाद एड अ पार्टनर इंटीग्रेशन या मैनुअल पिक्सल ऑन वेबसाइट या ईमेल इंस्ट्रक्शंस, तो हम लोग क्या करेंगे, मैनुअल एड पिक्सल्स कर देंगे। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर मैन्युअली हम लोग ऐड करेंगे। अब जब ऐड करेंगे तो यहां पर आपके पास कोई ये इंस्ट्रक्शन देगा, ये क्या कह रहा है कि कॉपी एंड पेस्ट द पिक्सल कोड इनटू द बॉटम ऑफ हेडर सेक्शन ऑफ योर साइट जस्ट अबाउ हेड टैग, इंस्टॉल द बेस कोड ऑन एवरी पेज ऑफ द वेबसाइट। तो इसको हम क्लिक करके कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, इस कोड को हमने यहां से कॉपी करके अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमने एक टेस्ट ट्रैफिक हमने यहां पर भेजनी है, अगर वो होगा तो हम क्या करेंगे, यहां पर कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैनेज में जाने के बाद ये आपके पास आपका ये सी पैनल है, ठीक है, सी पैनल का डैशबोर्ड है, आपने नीचे जाना है। यहां पर आपने नीचे फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाके आपने इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है और आपकी वेबसाइट जहां होगी ये वहां पर आपको लेकर जाएगा और डेफिनेटली मैं भी आपको गाइड करूंगा। सी पैनल बेसिकली नॉर्मली कंट्रोल पैनल होता है, जो होस्टिंगर है उसका एच पैनल है। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सी पैनल कह रहा हूँ, यहाँ पर एच पैनल खुल रहा है। तो ये फाइल मैनेजर हमारे पास खुल चुका है, public_html, यहाँ से आपने WP कंटेंट में जाना है। उसके बाद आपने थीम में जाना है, हमारी जो थीम होगी हमने उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद हमने जाना है सर header.php में।
ठीक है, हेडर डॉट पी एच पी। अच्छा यहां पर जो ये जो है ये हेड टैग है, ठीक है, ये हेड टैग यहां बंद हो रहा है। यहां पर अगर आपको नहीं मिलता, आपने यहां पर कंट्रोल एफ करके आपने इस तरह टैग्स लगा के आपने हेड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आपका पहला और ये दूसरा आपको आ चुका है। इसके ये एंड होने के थोड़ा सा पहले ही आपने लाके उस जो पिक्सल्स है इसको आपने कोड को ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद ये देखें यहां से पिक्सल्स कोड शुरू हो रहा है और यहां नीचे तक कोड यहां पर आपका आ चुका है, सेव एंड क्लोज, ठीक है, ये हमारा हो चुका है। उसके बाद हमने जाना है फेसबुक के ऊपर, ठीक है। फेसबुक के ऊपर जाने के बाद हमने अपनी वेबसाइट का URL कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने देखना है कि हमारा ये टेस्ट ट्रैफिक जो है वो वेबसाइट के ऊपर चली जाती है या नहीं जाती है। अगर ये चली जाती है तो ये हमारा पिक्सल्स एक्टिव होगा, ग्रीन होगा। अब ये हम लोग इस पे आ चुके हैं, सर्च कर रहा है, सर्च करने के बाद यहां पर एक्टिव कर देगा अगर इसका ये पिक्सल सही तरह लग चुका है तो, ठीक है। हमने वो कोड पेस्ट कर दिया है तो अगर वो कोड जज कर लेता है तो वेरीफाई करके इसको यहां ग्रीन कर देगा। तो अभी ये सर्च कर रहा है और अभी नहीं हुआ। अच्छा बाद में होता क्या है कि यहां से हम लोग अपने इवेंट्स को हम लोग यहां पर सेट कर रहे होते हैं, ये इवेंट्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ऐड हो चुका है लेकिन एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो एक्टिव नहीं है तो हमें इसको दोबारा से चेक करना है कि आया इसका मसला क्या है। अच्छा यहां पर ना वो पहले एरर आ चुका था, ये देखें पहले वो हमारा पिक्सल कोड ऐड नहीं हो रहा था। तो दोबारा से मैंने इसको यहां पर टेस्ट किया तो भी यहां पर वो इंटीग्रेट नहीं हो चुका। तो कंटिन्यू पिक्सल सेटअप कर लेते हैं और यहां से मेटा पिक्सल्स को मैं सेट कर लेता हूं ताकि वो वर्डप्रेस का जो डायरेक्ट जो हमारे पास ऑप्शन है उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो पार्टनर जो इनका सॉफ्टवेयर है इसमें हम देख लेते हैं कि वर्डप्रेस चूंकि ऐड हो चुका है तो यहां से मैं वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। ये वर्डप्रेस को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद ये पार्टनर इंटीग्रेशन के अंदर वर्डप्रेस आ चुका है। उसके बाद ये मेरे सामने जो है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल चुका है। अभी हमें ऑप्शन दे रहा है कि प्लगइन है, एक प्लगइन को हमने यूज करना है। तो प्लगइन वाले सेक्शन में जाकर फेसबुक फॉर वर्डप्रेस इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद नेक्स्ट। बल्कि मैं आपको पूरा वो मेथड समझा लेता हूं, थोड़ा सा हम नीचे करेंगे। तो प्लगइन को ऐड करके फेसबुक फॉर वर्डप्रेस और इंस्टॉल नाउ एंड एक्टिवेट, ये उसके बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, राका लॉजिक्स में जाना है। राका लॉजिक्स में जाने के बाद प्लगइन के बाद यहाँ पर ऐड न्यू के बाद यहाँ पर आपने लिखना है फेसबुक फॉर वर्डप्रेस को आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना है जी। तो जब प्लगइन आपका एक्टिव होगा तो आपने क्या करना है, आपने प्लगइन वाले सेक्शन में आना है। प्लगइन वाले सेक्शन में आने के बाद आपने जाना है फेसबुक वाले प्लगइन में, ठीक है। जिस तरह फेसबुक फॉर वर्डप्रेस था उसमें आपने जाके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने उसको गेट स्टार्टेड करना है। तो जैसे ही आप गेट स्टार्टेड करेंगे तो वो जो पहले वाला हमने जो प्रोसेस किया था कि सेटअप करके उसको जो है वो ट्रैफिक भेजनी है, तो वही प्रोसेस हमने यहाँ पर भी करना है, ठीक है। आपने अपने पेज को एटलीस्ट यहाँ पर कनेक्ट करना है उसी पेज को, यहाँ से इसकी परमिशन सारी आप दे दें। उसके बाद यहाँ पर आपने देखना है कि वही पेज हो जो जिसके ऊपर आप आगे फर्दर अपने पिक्सल को एक्टिव करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बिजनेस मैनेजर आपका यही था, पेज जो है वो मुझे ये चेंज करना है, ठीक है। पेज मुझे यहाँ से राका लॉजिक्स वाला, और ये मेरा राका लॉजिक्स वाला पेज है, हमने इसको फर्दर लेकर चलना है, ठीक है। और उसके बाद इसको कंटिन्यू करना है, बस ये चीज़ें कुछ चीज़ें आपने देखनी होती हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम को फिलहाल आप स्किप कर दें, इसके लिए मैं अलग एड अकाउंट बना लेता हूँ राका लॉजिक्स के नाम पे, और उसके बाद इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। क्योंकि इसमें एक हर पेज के लिए आप कोशिश ये करें कि अलग से जो है वो एड अकाउंट बना लें ताकि बैंक अकाउंट जो है वो अलग से आप लोग यूज कर सकें, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करें, हालांकि ये मेरा चल रहा है लेकिन अब मुझे ये वाला पिक्सल एक्टिव करना है, ये दूसरे एक्सप्लोर नगर ट्रेवल्स वाला मेरा पिक्सल है, ठीक है। कंटिन्यू करें, अब आपके पास देखें बिजनेस मैनेजर आपका यही है, पेज भी यही है। यहां से क्या किया, कनेक्ट किया, कंटिन्यू किया, और उसके बाद राका लॉजिक्स वाले आपने पिक्सल को एड अकाउंट को आपने यहां से कंटिन्यू किया। उसके बाद यहां पर आपने पिक्सल आपने राका लॉजिक्स वाला उठाना है जिसको आपने क्रिएट किया। तो आपके पास यहां पर इन्फॉर्मेशन सारी राका लॉजिक्स वाली आ चुकी है, मेटा पिक्सल एड अकाउंट हर चीज मैंने अलग राका लॉजिक्स के लिए बना ली है। और उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है। अब पहले वो एरर आ रहा था, अब ये ग्रीन टिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बिजनेस मैनेजर मेरा यही है,
और हमेशा बिजनेस मैनेजर के अंदर अपने पेजेस को रखा करें ताकि वो ज्यादा सिक्योर्ड रहता है और उसके अलावा कोई और छेड़ भी नहीं सकता, हैक भी नहीं हो सकते। तो वर्डप्रेस ऐप को बेसिकली मैं फेसबुक के साथ लिंक कर रहा हूँ जिसमें पिक्सल्स बेसिकली इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी कि एक्चुअली ये दोनों सेटअप, अगर आपको एक सेटअप से एरर आता है तो आपने दूसरे वाले सेटअप को अपने कैसे फॉलो करना है, ये दोनों चीजें आपको सीखने को मिले हैं आज, ठीक है। तो जैसे ही वो तमाम जो पूरा प्रोसेस खत्म होगा तो आपने यहां से इसको डन करना है, ठीक है। जब आप डन करेंगे तो गालिबा यहां पर ट्रैफिक भेजने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगी, तो इसके बाद ये प्रोसेस आपका खत्म होगा और आपका पिक्सल एक्टिव होगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसका एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं, जो है वो आप जैसे कि ये मैं यूज कर रहा हूँ एक्सप्लोर के लिए, इसी तरह आप भी अपना एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं फेसबुक पिक्सल हेल्पर, तो इससे पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर वो एक्टिव है। उसके बाद यहां से आपने उस टोकन को आपने कन्फर्म करना है, जब आप कन्फर्म करेंगे तो यहां से वो जो कनेक्शन है आपकी वेबसाइट का फेसबुक के साथ वो सारा ओके हो गया और यहां से आप इजिली मैनेज कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो हाउ टू इंटीग्रेट फेसबुक पिक्सल्स ऑन ब्लॉग या वेबसाइट, ये हमने सीख लिया आज के इस वीडियो के अंदर। ब्लॉगिंग के ऊपर जो पूरी सीरीज चल रही है इसके अंदर मैं आपको हर चीज के बारे में बताऊंगा, मार्केटिंग से लेके SEO से वेबसाइट क्रिएशन के ऊपर। तो काफी सारी वीडियोस पहले हो चुकी हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि वो बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से आप लोग देख सकें ब्लॉगिंग सीरीज, और इसमें हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं कि आप एडसेंस के ऊपर मोनेटाइज करवा के कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, एफिलिएट प्रोडक्ट्स की कैसे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, एफिलिएट आर्टिकल्स लिख के या उन प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज लिख के, तो ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज के दौर में अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है, आप ऑनलाइन चीजों के बारे में नो हाउ रखते हैं लेकिन कोई ब्लॉग नहीं जो कि आपको पैसिव इनकम दे सके, तो ये आपको सोचने का मुकाम है कि आपके पास एक वेबसाइट या ब्लॉग होना चाहिए जिसके ऊपर आप किसी भी एक निश के ऊपर लिखना शुरू करें, आप लिखते हो बल्कि आप क्या करें कि किसी एक स्पेसिफिक निश के ऊपर आप आर्टिकल्स लिखें और उनके ऊपर अपने एफिलिएट लिंक्स या फिर एडसेंस से कमाना शुरू करें, तो ये आपके लिए एक पैसिव इनकम बनेगी। डेफिनेटली ये आपके लाइफ में छोटा सा ऐसा रोल प्ले करेगी कि जिसमें आपको खुशी होगी, कभी भी उससे नुकसान नहीं होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।